श्योपुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को हेलीकॉप्टर द्वारा श्योपुर जिले के विजयपुर पहुंचे, जहां आईटीआई के मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में सीएम ने शिरकत की। इनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने लाडली बहनों को पुष्प वर्षा करके सम्मानित किया और चैटी खेड़ा डैम सहित क्षेत्र को कई बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम के मंच से सबसे पहले नागरिक उद्यान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्र की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि आपको नैरोगेज ट्रेन मेरे पूज्य पिताजी के विशेष प्रयासों से मिली, अब ब्रॉडगेज ट्रेन हम और हमारी सरकार आपको दे रही है। पहले चरण में ग्वालियर से श्योपुर और द्वितीय चरण में श्योपुर से कोटा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर अति पिछड़े हुए श्योपुर क्षेत्र के विजयपुर क्षेत्र को चौमुखी विकास करने का काम हमारी सरकार ने किया, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि चेटीखेड़ा बांध परियोजना का भूमि पूजन आज किया जा रहा है। इसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम लाडली बहनों के लिए गाना गाते हुए अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने भांजे भांजी उनको और लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे भांजे और भांजी बहनों के लिए किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। करोड़ों की लागत की कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया।